बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल पूरे भारत में रही। सोलन में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला और यहां भी बैंकों की हड़ताल बदस्तूर जारी रही। बैंक कर्मचारी बैंक छोड़कर माल रोड पर धरना प्रदर्शन करते नजर आए और कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार केवल पूंजीपतियों की सुन रही है और आम जनता से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस मौके पर यूनाइटेड फॉर्म बैंक यूनियन सोलन के संयोजक राजेश शाकिया ने कहा कि 26 दिसंबर को भारतवर्ष में करीब 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं और कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक का विलय करने का निर्णय जो सरकार ने लिया है उसके खिलाफ उनकी यूनियन आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि बैंकों की एनपीए हो रहे ऋणों को वसूलने के लिए बैंकों के पास कोई ठोस नीति नहीं है और आम आदमी का पैसा बड़ी बड़ी कंपनियां ऋण के माध्यम से लूट रही हैं, जो सरासर गलत है। जो जनता का पैसा है वे जनता के हित और विकास में लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए वे सभी हड़ताल पर हैं और उनकी हड़ताल भविष्य में भी उग्र रूप ले सकती है। पूरे हिंदुस्तान में बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पे हैं और इस हड़ताल का जो आह्वान किया है जो यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने किया है, जैसे कि बैंक कर्मचारियों के बहुत से लंबित मुद्दे हैं, लेकिन इस जो आज की जो हड़ताल का जो मुख्य कारण है वो जो अभी सरकार ने हाल ही में जो एक डिसीजन लिया है कि तीन बैंकों को आपस में मिला के उनका मर्जर किया जाएगा, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक शामिल है। ये जो मर्जर हो रहा है इसमें सरकार की कौन सी नीयत और कौन सी नीति है इसका मैं आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि एज ए ट्रेड यूनियन हम ये सोचते हैं कि जो एनपीए इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े जो डिफॉल्टर हैं, कुछ देश छोड़ के चले गए, कुछ देश में ही हैं, उनके जो ये एनपीए हैं उनको रिकवरी के लिए कोई प्लान तैयार नहीं है। हमने कहा था कि ये जनता का पैसा है, जनता के लिए यूज़ होना चाहिए और देश की जो सेविंग है, जनता की जो सेविंग है वो राष्ट्र की डेवलपमेंट में लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कॉरपोरेट लूट जिस तरह से हुई है, जिस तरह से इस पैसे को लेके यहाँ से भागे हैं, उसके खिलाफ हमारा ये हड़ताल है।